वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, वेलकम बैक टू हरियाणा व्लॉगर रीना। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज ना मैं छत पे बैठी हूँ, मैं गेहूँ फैलाने के लिए आई थी यहाँ पे। मैंने सोचा कि अपनी वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। नीचे ना शोर शराबा हो जाता है और यहाँ पे पक्षियों ने पूरा शोर मचा के रखा हुआ है नीचे। मैं सोचती हूँ कि शोर शराबा हुआ रहता है, अगर मैं कभी ऊपर जल्दी कपड़े सुखाने आ जाऊँ, या आज देखो जैसे मैं गेहूँ फैलाने के लिए आ गई, तो मैं सोचती हूँ कि अपनी वीडियो वहीं से शुरू करके लाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे एकांत है, बिल्कुल शांति है। हमें किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि तुम चुप हो जाओ, तुम ये कर लो। जैसे माटू इधर से उधर घूमता रहता है ना, कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं कुछ आपसे बात कर रही हूँ बीच में कोई बोलेगा तो आप सबको भी उससे परेशानी होगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं। और गेहूं को मैंने फैला दिया और आपको दिखा रही हूँ अभी कि देखो सुबह सुबह भी कितनी धूप हो रही है ना। 7:30-8 बजे का टाइम है ये, फिर भी कितनी तेज हो रही है गर्मी, बहुत ही ज्यादा। और अब सुबह का सारा काम ख़त्म होने के बाद ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। मैंने 2 आलू उबाले थे, उनको देख रही हूँ कि वे, मतलब अगर हम कम आलू उबालते हैं ना तो वो बड़ी मुश्किल से उबलते हैं। इस वजह से मैं चेक कर रही थी, मैं बाद में ही इनको निकाल लूँगी, पहले चेक कर लेती हूँ कि ये उबले क्या नहीं उबले, लेकिन वो उबल चुके हैं। और अब उनको निकाल के रख दूँगी, जब तक वो ठंडे होंगे तब तक मैं बर्तन लगा लूँगी, क्योंकि बर्तन सूख चुके हैं। और बर्तन ना अगर धूप में रखे ना साफ करके, तो बर्तन में कुछ अलग सी शाइनिंग आ जाती है, इसलिए हम धूप में रखे और फिर बाद में बर्तन को यहाँ सेट करते हैं। और बर्तन लगाने के बाद उसके बाद मैंने प्याज काटे, मतलब जो तड़का बनाना था वो सारी चीज़ें तैयार की, और आलू छील के रखे वो 2 आलू। अब इनको कद्दूकस कर रही हूँ, मतलब मैंने नहीं, हम दोनों ने, पिंकी ने और मैंने। कोई लोग ये मत सोच लेना कि मैंने कि अपने आप करती रहती है वीडियो बनाने के लिए, नहीं, हम दोनों मिलके करते हैं। और अब पनीर को कद्दूकस कर रही हूँ और मैं खुश हो रही हूँ देख के कि पनीर देखो कितने अच्छे से, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल, कितना दिखा रही हूँ पिंकी को कि देख कितने अच्छे से निकल रहा है ये। क्योंकि अगर हम पनीर को अच्छे से निचोड़ के फिर रख के उसको फ्रिज में, वो अच्छे से सेट हो जाता है, इसीलिए मैं इसके पीस बनाती हूँ, वो भी अच्छे से बन जाते हैं। और अब पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया, इसमें ये आलू मिक्स कर दूँगी, उससे पहले मसाला तैयार करूँगी। मसाले के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया, उसमें लौंग इलायची ये चीज़ें डाल दी, तड़के में नहीं डालूँगी क्योंकि फिर ना अगर वैसे तड़के में डालूँ तो फिर बच्चे खाते नहीं, उनकी जहाँ मुँह में आते हैं ना तो फिर वो वैसे करते हैं, इसलिए मैं इस टाइम डाल रही हूँ। और अब प्याज भी डाल दिए, प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे बस, इसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक और हल्दी ये चीज़ें भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं मसाला ये सारी चीज़ें क्यों तैयार कर रही हूँ। और ये वाला ऐसा मसाला अगर हम बना के पनीर बनाए, कोई भी सब्जी बनाए, हम छोले बनाए, इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, कुछ अलग से ही आता है। और इसमें मैंने थोड़े से काजू भी डाल दिए, अब ढक के रख दूँगी 5-10 मिनट, जितनी देर में मतलब ये सॉफ्ट होएंगे तब तक मैं ये पिट्ठी तैयार कर रही हूँ, पनीर आलू इसमें सारे मसाले डाल के। अब तो आपको बिल्कुल पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। और आप बनाना चाहो तो खाली पनीर से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसमें थोड़े से आलू मिक्स किए। अब 2 चम्मच के करीब मैदा भी डाल दिया बस, और अब सूखे मसाले डाल दूंगी। और सूखे मसाले डालते हुए ना, हर रोज़ की जैसे जैसे सारे मसाले डालती हूँ, गलती से थोड़ी सी हल्दी भी डल गई मुझसे। फिर एकदम डालने के बाद मेरे मतलब ध्यान में आया कि हो, मुझे हल्दी नहीं डालनी थी, लेकिन चलो कोई नहीं, क्योंकि सारे डब्बे मैं एक साथ रखती हूँ ना, इस वजह से गलती से हल्दी का डब्बा भी मैंने निकाल लिया। और अब सारी बॉल्स तैयार कर लूँगी, मिक्स कर लेता मैंने उनको अच्छे से।
और मसाला बन मतलब वो पक चुका है जितना मुझे सॉफ्ट करना था, वो रख रखा है थोड़ी देर के लिए ताकि ठंडा हो जाए। जब तक ये बॉल्स बनाऊंगी और इनको मैं फ्राई करूंगी तब तक मसाला ठंडा हो जाएगा और साइड में पिंकी उसका पेस्ट बना देगी। बस ये देखो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना देती हूँ जब तक पिंकी आटा बना रही है, क्योंकि फिर मुझे भी ऐसे खड़ा रहना था। और फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई को साफ करके गैस पे चढ़ा दिया, उसमें मैंने रिफाइंड डाल दिया। रिफाइंड गर्म होने के बाद अब ये बॉल्स सारी फ्राई कर लूँगी, मतलब पनीर के कोफ्ते। और इनको ऐसे भी खा सकते हो, इतने टेस्टी लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। जितने मैंने बनाए थे बड़े कम बचे, कुछ तो बच्चों ने ऐसे ही खा लिए सॉस के साथ। और फिर मैं भी ये सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, घर की चीज़ें ही हैं, बच्चे खा रहे हैं, कोई बाहर की चीज़ तो है नहीं कि हम ये सोचेंगे कि बच्चों को इनसे कोई नुकसान हो जाएगा इस वजह से। और पनीर है ना, इसलिए वो नीचे चिपक रहे हैं। मैंने हिलाने की कोशिश की लेकिन वो हिले नहीं, फिर मैंने पलटे के साथ इनको हिलाया डुलाया थोड़ा सा और अब बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लूँगी गैस मीडियम करके, क्योंकि अगर हम तेज़ रखेंगे फ्लेम तो वो ऊपर से काले हो जाएंगे और नीचे से मतलब बीच में से वो कच्चे कच्चे रह जाएंगे, इसलिए गैस की फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ है। और फिर ऐसे ही सारे कोफ्ते में फ्राई कर लूँगी। और ये देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसे दिख रहे हैं। और अब फ्राई करने के बाद मैंने कढ़ाई में मक्खन डाल दिया, मक्खन और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। और अब तेज़पत्ता और जीरा ये चीज़ें डाल दूंगी। और अब जो मसाला मैंने मतलब जो पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है वो डाल दूंगी बस। और ये तड़का ना मक्खन में ही लगाया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें हम इसमें लगाना मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर हम वही चीज़ें सारी डाल लेंगे तो टेस्ट अपने खुद से ही अच्छा आ जाएगा। और अब हल्दी और मिर्च भी डाल दी थोड़ी सी। और पेस्ट हम चाहे जितना भी मतलब इसको बारीक करने की कोशिश करें लेकिन ये थोड़ा सा जैसे दरदरा दिख रहा है। हम मलाई कोफ्ता बना रहे हैं तो अगर हमने बिल्कुल इसका पेस्ट मलाई के जैसे बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है ना तो हम इसको छलनी में छान सकते हैं, उसके बाद तड़के में डालें। क्योंकि लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं घर के लिए ही बना रही हूँ। कोई अगर ऐसी मतलब बहुत ही ज़रूरी वो हो बनाने के लिए, कोई त्यौहार है या हम किसी स्पेशल के लिए बना रहे हैं तो मैं छान सकती थी, इसलिए मैंने भी ऐसे ही डाल दिया। लेकिन ये बिल्कुल बारीक पेस्ट है, लेकिन मैं बोल रही हूँ फिर भी अगर किसी को बिल्कुल मलाई के जैसा सॉफ्ट चाहिए तो बता रही हूँ कि हम इसको छान भी सकते हैं तड़के में डालने से पहले। और अब तड़का अच्छे से भुन चुका है और अब मैंने इसमें मलाई भी डाल दी। मैं बार बार बोलती हूँ कि मलाई या दही अगर हम किसी भी सब्जी में डालेंगे ना तो वो टेस्ट खुद से ही बढ़ा देती है उसका। और सब्जी तो बिल्कुल लाजवाब बनी थी, अब भी देख के ना खाने का ऐसा मन करता है कि अभी खा लूँ। और अब मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी इसमें। और अब थोड़ा सा ही पानी डाला क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं बनानी, मुझे गाढ़ी गाढ़ी सी ही रखनी है क्योंकि मलाई कोफ्ता है, ज़्यादा तरी वाला तो ये अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी इस वजह से। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूंगी ताकि इसमें एक दो उबाला आ जाए। और देखो अब ये अच्छे से पक रहा है। अब गरम मसाला डाल दिया क्योंकि बाद वो सॉफ्ट है ना पनीर के पकोड़े बहुत ज़्यादा, अगर हम बाद में उनको, और ये ना हमें जब हम खाते हैं हमें साथ के साथ ही बना के और साथ के साथ ही डालने हैं कोफ्ते इसमें, क्योंकि सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा, नहीं तो वो घुल जाएंगे। और अब कोफ्ते भी डाल के इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे दिख रहे हैं ना बिल्कुल, बस कलर यहाँ पे थोड़ा डार्क सा आ गया पता नहीं कैसे, लेकिन इतना डार्क कलर था नहीं है, थोड़ा सा लाइट लाइट कलर था।
और ये देखो प्लेट आप सब के लिए, तो आप सब भी टेस्ट कर लो मलाई डाल के, अच्छी अच्छी सी प्लेट। वैसे इसमें मिर्च की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने रख दी, अगर किसी को ज़्यादा तीखा खाना हो तो। और देखो कोफ्ते में मलाई तो ज़रूरी ही है, अंदर भी डालनी और प्लेटिंग करते हुए भी। और मलाई ना बाहर रख के रखे थोड़ी सी पतली हो गई थी, इस वजह से ये थोड़ी सी फैली फैली सी दिख रही है। और अब ये रात का टाइम है, मैं दलिया बना रही हूँ। दलिया बनाने के लिए मैंने गैस पे फ्राई पैन को चढ़ा दिया, उसके बाद मैंने उसमें दूध डाल दिया जितना मुझे दलिया बनाना है, क्योंकि थोड़ा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और दलिया पहले ही मैंने भून के रखा हुआ है। अगर हम पहले ही भून के कोई भी चीज़ है हम उसको पहले से ही अच्छी तरह तैयार करके रखें, तो अगर हमने साथ के साथ ही कुछ बनाना है ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। और मैंने अब इसमें एक हरी वाली इलायची भी डाल दी, पाउडर नहीं है मेरे पास इसलिए मैंने यही डाल दी, फिर बाद में जब इसका टेस्ट आ जाएगा इसमें अच्छे से निकाल दूंगी। और अब दलिया तैयार हो चुका है, मतलब मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिखाया। अब इसमें मैंने चीनी भी डाल दी और ये पक पक के बिल्कुल इतना अच्छा बन चुका है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा दलिया, बहुत टेस्टी। और अगर हम दूध दूध में बनाएं तो उसका तो टेस्ट ही अलग हो जाता है। देखो दिख रहा है ना बिल्कुल कितना पक चुका है, साइड में मलाई मलाई आ रही है। और अब ये उसमें से मैंने थोड़ा सा पनीर बचा लिया था दोपहर में बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे दलिया मुश्किल से खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इसलिए उनको पराठे बना के दे देंगे पनीर के। और सिंपल बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और मिर्च थोड़ी बहुत डालूंगी, नहीं तो नहीं भी डालूंगी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और थोड़ा सा आटा बनाया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पनीर है, ये दलिया है, आटा मैंने वहीं पे बना के रखा हुआ था। और अब सबसे पहले गाय के लिए निकाल रही हूँ, और थोड़ा ही बनाया क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। और ये दूध और वो साइड में सब्जी पड़ी है अगर किसी को खानी होगी तो। तो आज शाम के खाने में हमने बनाया दलिया, दूध वाला दलिया बनाया। वैसे सिंपल भी बना सकते हैं, सिंपल भी बना लेते हैं हम कभी कभी दूध वाला, तो आज मन था कि चलो दूध वाला दलिया बना लेते हैं। और कुछ आटा बनाया थोड़ा सा, अगर किसी को एक दो फुल्का खाना होगा तो सब्जी पड़ी है, क्योंकि दोपहर में बहुत ज्यादा हैवी खाना हो गया था ना इस वजह से। और वैसे भी रात में हल्का फुल्का ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि दोपहर के और सुबह के खाने में बहुत ज्यादा गैप होता है, और रात के खाने में तो कम होता है क्योंकि शाम के टाइम भी हम कुछ खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद फिर हमें दूध पीना होता है, इस वजह से हम रात में बहुत हल्का खाना खाते हैं। कभी हम दूध वाला दलिया बना लिया जैसे, मतलब जो कभी सिंपल वाला दलिया बना लिया, ऐसी चीजें बनाते हैं। और जैसे कुछ सब्जी पड़ी है, कुछ चटनी बना ली, तो ऐसे चल जाता है, क्योंकि दलिया खाने के बाद फिर बाद में अगर किसी को दूध पीना होगा तो फिर वो दूध भी पी लेंगे, और बच्चों को पनीर के पराठे दे देंगे बना के, फिर बाद में दूध पी लेंगे बस वो भी। और आप सबको मैं दलिया खिलाती हूँ, पहले तो मैं आपके साथ ऐसे ही बातें कर रही हूँ। देखो दलिया, तो खा लो आप सब भी, ये आप सबके लिए है, बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्टी दलिया बना। मतलब मैंने ट्राई अभी खाया नहीं हमने, मैं देख के ही बता रही हूँ इसको कि ये बहुत अच्छा बना। गाय का मैंने सबसे पहले निकाल दिया था, क्योंकि हम जो भी कुछ बनाते हैं आपको पता ही है, सबसे पहले गाय का निकालते हैं, उसके बाद हम सब खाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।